मैं सबसे पहले 1 लीटर दूध को बॉयल करूँगी। ये आधा आधा लीटर के 2 पैकेट दूध है। अगर आपके पास घर का दूध अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मार्केट से भी ले सकते हैं। 1 लीटर दूध है। छेना बनाने के लिए मुझे इसे बॉयल करके फाड़ना होगा। ये 1 लीटर दूध है, मैं इसे बॉयल करने जा रही हूँ। तेज आंच रखेंगे, दूध जब खौलने लगेगा तब तक के लिए आँच हमें तेज रखनी है इसकी। अगर मीडियम आँच पे रखेंगे तो हमें खौलाने में दूध टाइम लगेगा, इसलिए हम तेज़ आँच पे रखें। जब तक दूध खौल रहा है हमें छेना को डालने के लिए चाशनी की भी ज़रूरत होगी, तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और मैं इसकी चाशनी बनाऊँगी। 1 तार की बनाऊँगी, नॉर्मली पानी में डाल के सिर्फ हमें चाशनी को बॉयल करना है, बहुत गाढ़ी नहीं बनाना है। तो मैंने इसमें 1 कप चीनी मिलाई है। और 1 कटोरी चीनी में मैं 1 ग्लास पानी डालूंगी। और बहुत ही हल्की चाशनी बनानी है मुझे, इसे 1 तार की चाशनी बनानी है। चाशनी मतलब बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें बहुत देर तक डाल करके उन्हें नहीं रखना है। तो मैंने इसे मीडियम आंच पर रख दिया है चाशनी बनने के लिए। ये दूध गर्म हो गया है, गर्म हो गया है, मैं इसमें आधा नींबू डाल दूंगी ताकि दूध फट जाएगा, तो दूध से छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। नींबू डाल के मैं इसे अच्छे से चला दूंगी, और 2 मिनट तक नींबू डालने के बाद चलाने में और उसके बीच में, देखिए ऑलरेडी छेना अलग होने लग गया है दूध से, ये पूरा अच्छी तरीके से अलग हो जाए इसलिए मैं इसे 2 मिनट तक खौलाऊँगी, फिर मैं इसे ठंडा होने दूँगी। इसे 2 मिनट तक मैं उबलने दूँगी ऐसे ही, ताकि पूरा छेना अच्छे से अलग हो जाए दूध से। अभी आप इसमें से देखोगे पानी और छेना बिल्कुल अलग हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दूँगी। ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे छानूँगी। इसको धुल देने से जो इसमें स्मेल होती है फटने की या खट्टेपन की, वो निकल जाती है। नीचे से मैंने इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है और इसे मैं ठंडा हो जाने दूंगी बिल्कुल।
इसे मैश करना है। ये जो आपको छोटे छोटे से गुटके दिख रहे हैं ये बिल्कुल बारीक हो जाएं, ये आपस में मैश हो जाएं, बिल्कुल इतना मैश करना। इसको मैश करने से पहले मैं इसमें 1 चम्मच मैदा मिलाऊंगी, बहुत हल्का सा, थोड़ा सा ही। इसको बहुत अच्छे से मैश करने के लिए मैं इसके बेलन की सहायता से करूंगी। तो इसके बीच में जो भी गुटके होंगे वो बिल्कुल पिस जाएंगे। आटा तैयार हो गया, मैं इसकी छोटी छोटी सी लोई काटूंगी। छोटा ही काटें आप, क्योंकि उसे चाशनी में डालने के बाद वो अपने से जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, और काफ़ी मसल करके ऐसे, ताकि फटे ना बीच से, ऐसी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे हम। थोड़ा सा दबाव करा के अगर बनाएंगी तो उनको फटने के चांसेस कम रहेंगे और काफ़ी स्पंजी भी बनेगी। ये देखिए गोलियाँ बनाते वक्त छोटे छोटे से ये ध्यान रखिए कि ये फटी ना हो कहीं से भी, क्योंकि ये फिर चाशनी में जाने के बाद फटने के चांसेस रहते हैं। ये सारी चेना की लोइयाँ बन गई हैं, छोटी छोटी ये मैंने बनाई है क्योंकि ये वैसे भी चाशनी में डालने पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। चाशनी बन चुकी है, बहुत ही हल्की चाशनी है, 1 तार की होगी लगभग। ये देखिए आप, 1 तार की चाशनी है। अब इसमें वो जितनी भी लोइयाँ मैंने बनाई हैं उन्हें मैं डाल दूंगी, क्योंकि चाशनी खोलने लग गई है। और इसे मैं तेज फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक
ढक के उबलने दूंगी, पूरा नहीं ढकूंगी नहीं तो चाशनी फिर बाहर निकल जाएगा। 3 से 4 मिनट तक इसे उबालने दें मीडियम आंच पे। ये देखिए उबलने हैं ये, मैंने धीरे धीरे पलट दूंगी ताकि सारी तरफ से उबाल आ जाए और इसे 2 से 3 मिनट तक उबलने दें ऐसे मीडियम आंच पे। मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबल जाने दें। आप देख रहे होंगे मैंने काफ़ी छोटी लोइयाँ बनाई थी, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए सारे उबल गए हैं अच्छे से और ऑलमोस्ट पक भी गए हैं। अभी मुझे चेक करना है कि इन सारे रसगुल्ले अच्छे से पके हैं कि नहीं, तो देखिएगा अभी मैं चेक कैसे करूँगी। मैंने एक ग्लास में पानी लिया है, अभी मैं एक रसगुल्ला निकालूँगी यहाँ से और उसको इसमें डालूँगी। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पानी में चला गया है, ऊपर तैर नहीं रहा है, मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं। ये अच्छे से उबल गए हैं और पक गए हैं। मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे फ्रिज में रखूंगी ठंडा होने के लिए। जब ठंडे हो जाएंगे ये फ्रिज में अच्छे से, तब मैं इन्हें सर्व करूँगी। इसे मैंने ऐसे ही बाउल में निकाल लिया है, रसगुल्ले को और चाशनी को मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। इसे मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है, जब ठंडे हो जाएंगे तभी मैं इसे निकाल कर यहाँ से सर्व।